बड़वाह के उप जेल में सजा काट रहा कैदी हुआ फरार। खरगोन जिले के बड़वाह के समीप काटपुर फाटे पर स्थित उप जेल से शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक कैदी जेल के करीब 21 फीट की दीवार कूदकर भाग निकला, जिसकी जानकारी देते हुए जेलर युवराज सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे मैं मार्केट गया था। इस दौरान मुझे जेल से कैदी के भाग जाने की सूचना मिली, तभी मैंने जेल आकर मौका मुआयना किया। तब मालूम हुआ कि संजू पिता गोविंद निवासी खेड़ी टांडा के जेल की दीवार कूदकर फरार हो गया है, जो 5 अक्टूबर को आबकारी की धारा 34/2 के केस में जेल में बंद किया गया था, जिसके बाद मेरे द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि इस घटना के बाद एसडीएम बीएस क्लेश बड़वाह, एसडीओपी विनोद दीक्षित, थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने उप जेल जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल बड़वाह पुलिस और उप जेल का स्टाफ आसपास के जंगलों में फरार कैदी की तलाश कर रहा है। सर बताएं, एक कैदी भगा जेल से, क्या कारण रहा? जी, जैसे रूटीन वर्क के अनुसार मैं सुबह जेल खुला के अपने घर गया और 9 बजे के आसपास मैं मार्केट गया था। करीब 10 बजे मुझे फ़ोन आया, जेल गेट से फ़ोन आया कि संजू पिता गोविंद नाम का बंदी फरार हो गया है और दीवार कूद के फरार हुआ है, ये सूचना मुझे मिली। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने प्रारंभिक रूप से थाने पे फ़ोन लगा के और अन्य जगह पे सूचना दी, सेंट्रल जेल भी फ़ोन लगा के मैंने सूचना दे दी। उसके बाद हम लोग सर्चिंग अभियान कर रहे हैं। किस मामले में बंद था कैदी? ये बंदी आबकारी के 34/2 के मामले में बंद था। कितना समय हो गया था इसको? इसकी ये 5 अक्टूबर को आया था, 5 अक्टूबर को यहाँ पे जेल में आया था। सर कहाँ का तलाशी की जा रही है इसकी? इसकी तलाशी ये भागा सीआईएसएफ रोड तरफ भागा है और जयंती माता वाला क्षेत्र में बता रहे हैं कि इस तरफ ही कहीं निकला है और जल्दी कुछ स्थिति स्पष्ट हम कर लेंगे। कौन टीम लगी है सर ढूंढने में? पुलिस वर्ग की टीम है, जेल कर्मी है और अन्य हमारे स्थानीय लोगों से भी सपोर्ट लिया जा रहा है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बड़वा जो सब जेल है, उप जेल है, उसमें एक एक्साइज एक्ट में संजय मानकर करके आरोपी था, जो बड़वा थाने से उसको जुडिशियल कस्टडी भेजा गया था। 10 बजे जो जेल की दीवार है सीढ़ी वगैरह लगा के उससे स्लिप हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन मिलने पे वहाँ एसडीपी थाना प्रभारी पहुंचे हैं, स्थानीय वही बड़वा क्षेत्र का रहने वाला है, इसमें जेल की तरफ से एफआईआर थाने में भी हो रही है, कई सारी टीमें लगाई गई हैं। मुझे लगता है जल्दी ही शाम तक इसको हम पकड़ लेंगे। आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34/2 में केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें जुडिशियल कस्टडी में था। अभी सीढ़ी लगा के दीवार कूद के स्लिप होना बताया है, अभी एसडीएम और एसडीओपी मौके पहुंचे हैं, पूरी जांच कर रहे हैं, कई सारी टीमें इसमें लगाई गई। मुझे लगता है जल्दी ही इसको दोबारा से कस्टडी में ले लिया जाएगा। कुटाई कर रहा था ऐसा बताया जा रहा है। ये अभी जेल इंस्पेक्शन में अधिकारी गए, उसके बाद स्पष्ट होगा। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वा। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।